बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में। यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेरीकल्चर स्टार्ट किया था, सेरीकल्चर होता क्या है और टाइप्स ऑफ सिल्क कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई कर ली थी। तो आज इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क का यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है, रेशम कैसे बनाया जाता है, उसके बनाने के कौन कौन से चरण होते हैं यानी कौन कौन से स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीडीएफ मैंने आपके सामने ओपन कर दी है, पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी दी थी पहले वाले लेक्चर में ही। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सेरीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन एज फॉलोज। यानी सेरीकल्चर पूरी इंडस्ट्री जो है, यानी सेरीकल्चर का जो प्रोसेस है, सिल्क के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने तीन स्टेजेस में मेनली डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर तो पहला स्टेज है, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी। मलबेरी मतलब शहतूत होता है, शहतूत का पेड़। तो शहतूत के पेड़ को सबसे पहले तो हमें शहतूत के पेड़ को उगाना पड़ेगा, तो हम पहले शहतूत की खेती करेंगे, शहतूत को ग्रो करवाएंगे प्लांट को, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप है, दैट इज रियरिंग ऑफ ककून, यानी ककून की हम रियरिंग करेंगे, ककून को हम पालेंगे पोषेंगे। और थर्ड जो लास्ट स्टेप है, दैट इज रीलिंग ऑफ ककून, यानी ककून से फिर हम रील निकालेंगे यानी रेशम को निकालेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तीन स्टेप हैं, कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी यानी शहतूत की खेती करेंगे, सेकंड स्टेप रियरिंग ऑफ ककून यानी ककून को पालेंगे पोषेंगे, और थर्ड स्टेप है रीलिंग ऑफ ककून यानी ककून से हम जो है सिल्क को निकालेंगे, रील को निकालेंगे, धागे को बनाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब एक एक करके हर एक स्टेप को हम लोग पढ़ते हैं। तो सेरीकल्चर या स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के अंतर्गत सबसे पहला जो स्टेज है, दैट इज कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, यानी जो शहतूत का पौधा है उसकी हम खेती करते हैं। तो जो शहतूत का पौधा होता है, शहतूत का पौधा जो है वो सिल्क वार्म, जो मेनली जो सबसे कॉमन सिल्क वार्म है, बॉम्बिक्स मोराई जिसको कहते हैं, बॉम्बिक्स मोराई नाम का जो सिल्क वार्म है उसके लिए जो होस्ट है वो यही है, कौन, मलबेरी प्लांट यानी शहतूत का जो पौधा होता है। तो इसलिए अगर हमें सेरीकल्चर यानी हमें रेशम के कीट को पालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके होस्ट प्लांट को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसी होस्ट प्लांट पे ही तो वो रहेगा। तो इसलिए हम मलबेरी यानी शहतूत के जो प्लांट होते हैं उसका कल्चर करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम इसके लिए कुछ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आते हैं। तो यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब कि जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में मलबेरी का प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करता है, जैसे कि 15-37 डिग्री टेम्परेचर, यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो 15-37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, 600-2500 mm रेनफॉल होनी चाहिए साल भर में, यानी जो एनुअल रेनफॉल है वो 600-2500 mm होनी चाहिए। और जो मलबेरी यानी जो शहतूत का पौधा होता है वो क्योंकि डीप रूटेड होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं, पेरिनियल होता है यानी कि वो बहुवर्षीय प्लांट होता है, इसलिए उसको लोमी सॉइल चाहिए या फिर सैंडी लोमी सॉइल चाहिए होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी के बारे में, यानी इस तरह से हम शहतूत के पौधे को सबसे पहले उगाएंगे। सेकंड जो स्टेप है, दैट इज रियरिंग ऑफ ककून। रियरिंग ऑफ ककून स्टेज में हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दिस इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, यानी सिल्क मॉथ होता है, जो सिल्क का इंसेक्ट होता है, सिल्क वार्म होता है, उसकी रीयरिंग करते हैं, यानी उसको पालते पोसते हैं, उसको वहाँ पे ग्रो करवाते हैं होस्ट प्लांट पे। इट इज़ द मोस्ट टिपिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये सबसे टिपिकल और सबसे ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया या सबसे ज़्यादा समय लेने वाला चरण होता है। दिस स्टेप रिक्वायर्ड द कम्प्लीट नॉलेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द इंटरेस्टेड सिल्क मॉथ। अब जो भी आदमी इस काम को करेगा, रीयरिंग ऑफ ककून यानी ककून यानी जो सिल्क वार्म होता है उसको ग्रो करवाएगा, उसको पालेगा पोसेगा, तो उस आदमी को पूरे सिल्क वार्म के बारे में, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए, पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, तभी वो ठीक तरह से जो है इस काम को कर पाएगा, अलोंग विद इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। यानी जो सिल्क वार्म होता है उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसकी लाइफ साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी कोई इंसान जो है वो ककून की रेयरिंग ठीक तरह से कर पाएगा, यानी कि सिल्क मॉथ होता है, सिल्क वार्म होता है, उसकी रेयरिंग ठीक तरह से कर पाएगा। अब इस स्टेप को हमने फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे इसमें सबसे पहला जो सब स्टेप है, उपचरण है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वार्म। अब हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म को भी इसी में पढ़ लेते हैं। यानी जो रेशम का कीट होता है, अगर उसके जीवन चक्र की बात की जाए, तो उसके पूरे जीवन चक्र को हम 3-4 स्टेज में बांट लेते हैं, बेसिकली 4 स्टेज में बांट लेते हैं। पहला स्टेज एग होता है, फिर लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, और लास्ट में एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है, एडल्ट सिल्क वार्म बन जाता है। तो एग जो सबसे पहले होगा, तो एग कैसा होता है, तो ये पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का होता है, सेमी राउंड स्ट्रक्चर होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है, अर्ध गोलाकार होता है, और ये जो एग होता है ये आगे चलकर लार्वा में चेंज हो जाता है, एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है। फिर लार्वा स्टेज आती है, लार्वा स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है, ये जो सिल्क वार्म होता है उसके अंदर सिल्क ग्लैंड का निर्माण होता है, एक जोड़ी रेशम ग्रंथियों का निर्माण होता है, किसमें, लार्वा अवस्था में, जो सिल्क वार्म है उसकी लार्वल स्टेज में ही उसके अंदर एक जोड़ी सिल्क ग्लैंड्स यानी कि रेशम ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। अब ये जो रेशम ग्रंथियां हैं, जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ये सिल्क ग्लैंड जो होती हैं वो बहुत बड़े साइज की होती हैं, यानी पूरे शरीर की लंबाई से भी 4 गुना
गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है ना। और जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं बिल्कुल दूसरे एनिमल्स की जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है ना, लार ग्रंथियाँ जो एनिमल्स में पाई जाती हैं, हम ह्यूमंस में भी पाई जाती हैं ना, जहाँ पर सलाइवा बनता है, लार बनता है, तो बिल्कुल सेलिवरी ग्लैंड के ही होमोलॉगस मानी जाती हैं। कौन? ये जो सिल्क ग्लैंड्स होती हैं जो कि इन सिल्क वॉर्म के अंदर इनके लार्वल स्टेज में पाई जाती हैं, वन पेयर होती हैं, ठीक है ना। अभी जो सिल्क ग्लैंड होती है ये आगे चलकर फिर एनिमल के अंदर जो है उनकी सेलिवरी डक्ट में जो है क्या होती हैं, खुलती हैं। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीरियरली ईच ग्लैंड ओपन्स इनटू सेलिवरी डक्ट, यानी क्योंकि ये दो यानी एक जोड़ी सिल्क ग्लैंड होती हैं, तो दोनों ग्लैंड जो होती हैं वो आगे चलकर इस सिल्क वॉर्म की जो लार नलिकाएं होती हैं, सेलिवरी डक्ट्स होती हैं, उसी में आगे जाकर खुलती हैं। और इस तरह से ये जो दोनों डक्ट होती हैं वो आगे चलकर आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फिर जो है स्पाइनरेट नाम के अपेंडिजेस के थ्रू जो है बाहर की तरफ खुलती हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अभी जो सिल्क ग्लैंड होती हैं इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी जो ये सिल्क ग्लैंड क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की होती है, पूरी बॉडी की लंबाई की चार गुना ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस पूरे सिल्क ग्लैंड को जो कि वन पेयर होती है, लार्वल स्टेज में पाई जाती है सिल्क वॉर्म के, इस पूरी ग्लैंड को ही थ्री पार्ट में बांट देते हैं। इसके इंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर सिल्क ग्लैंड, मिडिल पार्ट को हम मिडिल सिल्क ग्लैंड कहते हैं, और जो थर्ड पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, दैट इज पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये जो इंटीरियर पार्ट होता है यहाँ से कोई सिक्रेटरी फंक्शन नहीं होता, यानी इंटीरियर पार्ट जो सिल्क ग्लैंड का होता है वहाँ से सिल्क नहीं बनता। जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ से सेरिसिन और पोस्टीरियर पार्ट से फाइब्रोइन नाम के केमिकल का सिक्रीशन होता है। तो मिडिल पार्ट जो सिल्क ग्लैंड का होता है वहाँ से सेरिसिन नाम का केमिकल बनता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सबसे पीछे वाला पार्ट होता है सिल्क ग्लैंड का, वहाँ से फाइब्रोइन नाम का केमिकल बनता है। अल्टीमेटली यही आगे चलकर सिल्क बनाते हैं या आगे चलकर जो है रेशम का निर्माण करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेज हो गई क्या, लार्वा उसकी लाइफ साइकिल में। थर्ड स्टेज दैट इज प्यूपा। अब लार्वा आगे चलकर प्यूपा बनेगा, तो प्यूपा जो है वो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल की तीसरी स्टेज होती है, और इस स्टेज में जो है ये जो सिल्क वॉर्म होता है ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है वो ककून यानी लार्वा के अंदर ही प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से जो है ये जो प्यूपा होती है ये स्टेज होती है लार्वा और एडल्ट मौत के बीच की, यानी अगर लाइफ साइकिल में बात करें तो लार्वा और एडल्ट के बीच की जो स्टेज होती है सिल्क वॉर्म की, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। और लगभग दो हफ्ते के बाद यानी कि 2 वीक्स के बाद जो है ये प्यूपा जो है वो ककून से बाहर आ जाता है और एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो अगला स्टेज आ जाएगा क्या, एडल्ट। अब एडल्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि द एडल्ट मॉथ लुक्स फॉर ए मेट सो दैट द फीमेल कैन ले मोर एग्स एंड स्टार्ट द लाइफ साइकिल अगेन। अभी जो एडल्ट सिल्क वॉर्म होता है ये अपने एक साथी की तलाश करता है, यानी अगर ये मेल है तो फीमेल मौत की तलाश करता है, फीमेल इंसेक्ट की तलाश करता है, और इस तरह से मेल फीमेल आपस में फिर से फर्टिलाइजेशन करके फीमेल्स एग देती हैं खूब सारे, और ये एग से फिर से जो है दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, यानी एक से फिर से लार्वा और लार्वा से फिर से प्यूपा और फिर से प्यूपा से एडल्ट बनता है। इस तरह से लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इंपॉर्टेंट स्टेज, कौन सा, रेयरिंग ऑफ ककून। मैंने आपको स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में सबसे पहला स्टेज बताया था कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, सेकंड स्टेज मैंने आपको पढ़ा है रेयरिंग ऑफ ककून, जिसमें मैंने आपको सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल भी पढ़ा दी। अब थर्ड स्टेज जो लास्ट स्टेज है सिल्क के प्रोडक्शन के अंतर्गत वो है रीलिंग ऑफ ककून, यानी अब ककून से हम रेशम को निकालेंगे यानी कि धागे को बनाएंगे। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर फ्रॉम ककून, यानी ककून से हम जो है क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को यानी रेशम के धागे को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और फिर उसको शुद्ध करते हैं, उसको साफ करते हैं, यानी उसको प्योर भी करते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ सेरीकल्चर। तो ये पूरी सेरीकल्चर का यानी कि रेशम के प्रोडक्शन के प्रोसेस का लास्ट स्टेज है, जिसमें हम क्या करते हैं, रीलिंग करते हैं, यानी कि सिल्क फाइबर को बनाते हैं ककून से। दिस इज़ द एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। ये जो स्टेप होता है इसमें बहुत सारी ऊर्जा की भी खपत होती है और समय की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। दिस इज़ द पोस्ट ककून प्रोसेस। और ये पोस्ट ककून प्रोसेस यानी ककून के बनने के बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वही ये होता है क्या, रीलिंग ऑफ ककून, यानी ककून से हम रेशम के धागे को बनाते हैं। तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, 1 kg ऑफ सिल्क यानी 1 किलोग्राम सिल्क को बनाने में, यानी 1 किलोग्राम रेशम के धागे को बनाने में लगभग 5500 से 6000 ककून्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं, यानी 5500 से लेकर 6000 ककून से 1 kg सिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। लास्ट में यहां पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज हार्वेस्टिंग। इट इज द रिमूविंग एंड सेलेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ ककून फ्रॉम द माउंटेजेस एंड सेल देम टू द मार्केट ORR टू ट्रांस टू रीलिंग इंडस्ट्री। यानी अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम ककून से रेशम के धागे को बना लेते हैं
प्राप्त कर लेते हैं और उसको शुद्ध कर लेते हैं। तो उसके बाद तो अब हम यहाँ पर जो ककून्स हैं जिनसे हमने धागे को प्राप्त कर लिया, तो उन ककून्स को अब हम रिमूव करते हैं, उनको हटा देते हैं क्योंकि अब हमने उनसे धागे को प्राप्त कर लिया है। और फिर अब हम उस सिल्क को जो है मार्केट में बेच देते हैं या फिर हम उनको रीलिंग इंडस्ट्री तक भेज देते हैं, इनको सिल्क को यानी कि सिल्क फाइबर को, रेशम के धागे को। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप एक और है, दैट इज रीलिंग। रीलिंग का मतलब मैंने आपको बताया रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड अबाउट 50% ऑफ द सिल्क इन ईच ककून। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर एक ककून का लगभग 58% पार्ट जो होता है वो सिल्क होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे लिखा हुआ है द अनविंडिंग ऑफ द सिल्क थ्रेड फ्रॉम ककून इज डन बाई चरखा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ककून से रेशम का धागा जो बनाने का प्रोसेस है उसके लिए हम चरखे को यूज़ करते हैं और ये जो सिल्क निकलता है इसको हम स्पून सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पून सिल्क, यानी चरखे की मदद से जो रेशम का धागा बनाया जाता है उसको स्पून सिल्क कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बने हुए हैं, सिल्क मॉथ यानी रेशम के कीट का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, स्टिंग लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, थोरेकिक इंटीरियर विंग लिखा हुआ है, उसके बाद पोस्टीरियर विंग लिखा हुआ है, एब्डोमिनल लिखा हुआ है, और इसी तरह से नीचे जो है रेशम का जो कीट होता है यानी जो बॉम्बिक्स मोराई होता है उसके लार्वा का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर आगे थोरेकिक लेग लिखा हुआ है, स्पाइरेकल लिखा हुआ है, पीछे काउडल हॉर्न लिखा हुआ है और नीचे काउडल लेग लिखा हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट पेज में यहाँ पर पूरी जो लाइफ साइकिल होती है सिल्क मॉथ की या सिल्क वॉर्म की, उस पूरी लाइफ साइकिल को भी दिखाया गया है। पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप इस पूरी लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेंगे और नोट्स को भी पूरा कर लेंगे। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आगे चलकर आप उससे लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।